A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Smita Panigrahi, and on behalf of the whole Etiosian family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 9, and we are reading chapter 4, the structure of the atoms. So before starting the class, let me remind you that Etiosian is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. Okay, so let's see what we are going to discuss today. Today we are going to discuss structure of the atom and Thomson's model of an atom. And yes, of course, Rutherford's model of an atom. Okay, so structure of the atom is what we have read. So ye topic tha, ye galti se idhar aa gaya. Hum aaj padhenge Thomson model aur Rutherford model aur iska kya kya drawbacks. Theek hai, whatever model you are reading now, in the further years, you will be knowing that ye sab galat hai. चलो फिर भी पढ़ना है, पढ़ते हैं. सो फर्स्ट इज थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, थॉमसन मॉडल नाम से ही पढ़ा है. थॉमसन वॉज अ साइंटिस्ट हु गेव द मॉडल, हेंस द मॉडल नेम इज थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू थॉमसन, ओके, एन एटम इज सिमिलर टू अ क्रिसमस पुडिंग. सो हैव यू सीन अ पुडिंग? आपने देखा होगा केक, जो सॉर्ट ऑफ हम बोलते हैं लाइक पुडिंग, वो क्या था? ठीक है, लाइक केक. केक ऐसा होता है ना, पुडिंग जो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक उसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, आलमंड, कैशू, रेजन्स, पिस्ताशियोस एंड ऑल. ओके, तो क्या होता है एक पुडिंग, पुडिंग मतलब आप सबने पुडिंग देखा होगा कैसा होता है, क्रिसमस पुडिंग या नॉर्मली कोई भी पुडिंग आप घर पर बना रहे हो, तो आप एक केक बना रहे हो, उसके ऊपर क्या होता है स्कैटर्ड वे में ड्राई फ्रूट्स होती हैं, जैसे कि पहले पिक्चर में दिया है. स्कैट कोई कहीं आलमंड है, कोई कहीं पर पिस्ता है, कहीं पर आपका रीजन है, ठीक है, कहीं पे कैशियो है, तो ऐसा करके हर जगह स्कैटर्ड होता है आपका क्या ड्राई फ्रूट इन इन दैट ऑफ योर पुडिंग. ओके, नाउ तो उन्होंने बोला कि ये जो एटम होता है, एटम वैसे ही पुडिंग की तरह ही होता है. ठीक है, अब कैसे देखते हैं. द पुडिंग हैड पॉजिटिव चार्ज एंड द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग नेगेटिव चार्ज वर लाइक प्लम्स ऑन द पुडिंग. तो पुडिंग में आपका जो भी पर्टिकुलर जो ड्राई फ्रूट्स है उसको उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन है. पुडिंग जो उन्होंने बोला कि मेरा जो पुडिंग है, मेरा जो केक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें जो मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं वो मेरा नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, यानी कि मेरा जो केक है उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको मैंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिया. और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होता है. तो उस बेसिस पे, केक के बेसिस पे कंपेयर करके बोल रहे हैं कि मेरा जो केक है वो पॉजिटिव है और उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो नेगेटिव है. मेरा केक पॉजिटिवली चार्ज है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं दोज आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स हुआ नेगेटिव, विच आर नेगेटिवली चार्ज. सिंपल, ओके. वो क्या प्रपोज किए उसमें, वो ये प्रपोज किए कि वो वैसे होता है पॉजिटिवली चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड है. दैट इज व्हाट द कंक्लूजन वाज. लेट्स एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन. तो उन्होंने ये मॉडल निकाला कि जो एटम होता है, हमारा एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब होते हैं, एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है पूरी तरह से और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है, स्कैटर्ड होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होता है. दैट इज जस्ट ही कंपेयर्ड इट विद दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग. दैट्स इट. नेक्स्ट, द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. अब वो बोलते हैं कि जो एटम जो है पुडिंग के हिसाब से और जो इलेक्ट्रॉन्स प्लम्स के हिसाब से या ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से, उनका मैग्नीट्यूड सेम है. मतलब जितना आपका पॉजिटिवली चार्ज है आपका केक, उतना ही नेगेटिवली चार्ज आपके ड्राई फ्रूट्स हैं. जितना पॉजिटिवली चार्ज एटम है उतना ही नेगेटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन्स है. तो इन एन होल एक एटम न्यूट्रल है. ओके, इज इट राइट और रॉन्ग? दिस इज व्हाट ही गिव. लेट्स सी थ्रू अ पिक्चर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. तो वो बोलते हैं कि जो पॉजिटिव है, जो सर्कल है, दैट इज एटम जो कि पॉजिटिव चार्ज है और वहाँ पे जो प्लम्स है, ड्राई फ्रूट्स, दोज आर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज. नाउ ही टोल्ड कि इन दोनों का चार्ज न्यूट्रल है, वो इक्वल है. ओके, मैग्नीट्यूड इक्वल है, सो इन शॉर्ट दे आर, इट इज न्यूट्रल. ओके, नाउ इट इज, जितना पॉजिटिवली चार्ज आपका केक है उतना नेगेटिवली चार्ज आपके प्लम्स. दैट इज व्हाट ही गिव. इज इट राइट? नो, ऐसा कुछ नहीं. लेट्स सी नेक्स्ट. नाउ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. नाउ रदरफोर्ड के, ओके, व्हाट ही स्टेटेड,
दैट इज़ वॉट यू विल बी गिवन. बोला जाएगा थम्स अप स्पोर्टिंग बॉर्डर लिखो, तो उसको लिखना है दो चार पोस्टुलेट्स डायग्राम. ओके, इट विल बी अराउंड 3-5 मार्क्स रेंजिंग अपॉन वॉट इज द क्वेश्चन इज बिंग आस्ड. ओके, नाउ वॉट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, क्या होता है. रदरफोर्ड अलाउड अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. अगेन अ साइंटिस्ट के रदरफोर्ड, वो अपना कुछ एटम का नया कॉन्सेप्ट देते हैं. वो क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड अलाउड अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. ओके, वो आते हैं कुछ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल. ठीक है, तो वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं. व्हाट ही डिड वाज दैट वो अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होता है फास्ट मूविंग होती है. सॉरी, अलाउड अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स. तो जितने अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उसको वो पॉजिटिव चार्ज, मतलब हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज टू फॉलो अ थिन गोल्ड फॉयल. वही पतला सा गोल्ड फॉयल लेते हैं, उसमें अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करते हैं. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, तो जो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है वो गोल्ड फॉयल के ऊपर डालते हैं, फ्लैश करते हैं. ओके, सो व्हाट ही गॉट, लेट्स सी, लाइक ही डिड लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पे क्या है, तो अल्फा पार्टिकल्स जो पास करते हैं गोल्ड फॉयल, आपको जो डॉट 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 के रूप में दिख रहे हैं दैट इज द गोल्ड फॉयल. गोल्ड तो एक मेटल है ना, तो गोल्ड के ऊपर वो फ्लैश करते हैं. तो गोल्ड के एक थिन लेयर वो लेते हैं जिसमें ऑलरेडी गोल्ड के एटम्स होंगे, ठीक है, उसके ऊपर वो अल्फा पार्टिकल स्कैटर करते हैं. तो जब अल्फा पार्टिकल्स वो मारते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और गोल्ड ऑलरेडी उसमें कुछ एटम्स हैं, तो उसमें उन्होंने मूवमेंट देखा उस अल्फा पार्टिकल का, क्या वो सीधा जा रहा है, क्या वो वापस आ रहा है, क्या वो टर्न हो रहा है, क्या हो रहा है. तो लेट्स सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग. तो उन्होंने क्या मूवमेंट देखा जब वो गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर किए पॉजिटिव. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. उन्होंने देखा कि जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, गोल्ड के एटम्स, सीधा फॉयल से डायरेक्ट अल्फा पार्टिकल्स पास करके ज़्यादातर, ठीक है, कुछ है जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, लाइक 30-45 ऐसे स्मॉल स्मॉल एंगल से गॉट डिफ्लेक्टेड. एंड कुछ है जो टोटल वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड. व्हाट इज रीबाउंड, एनी आइडिया व्हाट इज रीबाउंड, वापस, ठीक है. तो कुछ पार्टिकल हैं जो डायरेक्टली चले गए, कुछ पार्टिकल्स हैं जो थोड़ा स्लाइड डिफ्लेक्ट होके गए ऐसे ऐसे, ठीक है, 30 डिग्री 40 डिग्री, और कुछ वापस आ गए, बहुत ही कम, ज़्यादातर पास हो गए, बहुत कम जो हुए डिफ्लेक्ट हुए और 1-2% ही वापस आए. सो व्हाट इट स्टेटेड अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल कि एज सोन इन द फर्स्ट पिक्चर, देखो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, मास मोस्टली 90% क्रॉस हो गया, 5% 8% डिफ्लेक्ट हुआ और 1-2% रीबाउंड वापस. नाउ सेकेंड फिगर में देखो एटम से जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स आर अनडिफ्लेक्टेड, सीधा चला गया, कुछ डिफ्लेक्ट हुआ स्लाइटली और बहुत ही कम हो गया रीबाउंड. तो इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज़ द कंक्लूजन दैट वी ड्रू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला जाता है उसको, प्लम मोडिंग मॉडल बोला जाता है किसको, दादा जो थॉमसन प्लम मोडिंग मॉडल है, दिस इज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मेथड. नाउ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने, ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. जब वो पर्टिकुलर आपका जो गोल्ड फॉयल है उससे अल्फा पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स को पास कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट चला जा रहा है, 90% एकदम क्रॉस हो जा रहा है. अगर वो क्रॉस हो रहा है इसका मतलब कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा चला जा रहा है ना, कुछ होता तो वापस आ जाता, सीधा चला गया. तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस होता है एम्प्टी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल. फर्स्ट, सेकंड, द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज बिकॉज सम है पॉजिटिव स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाई एंगल्स. ज़्यादातर तो स्ट्रेट पास हो गया, फिर उन्होंने बोला कुछ डिफ्लेक्ट हुआ. अब डिफ्लेक्ट होने का क्या कारण हो सकता है, डिफ्लेक्ट होने का ये कारण हो सकता है कि वहाँ पर जो है कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ है, ठीक है, तो कुछ ऐसी पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ है, जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव अल्फा रेज और पॉजिटिव जो आपका पर्टिकुलर एटम में कुछ ऐसा पॉजिटिव सब्सटेंस कहीं पे बहुत छोटा सा है न्यूक्लियस में, तो जब वो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स का और उनके अंदर पॉजिटिव जो स्मॉलेस्ट पर्टिकल है वहाँ पे जब वो टकरा रहे तो वो थोड़ा स्कैटर हो जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न. बिकॉज स्कैटरिंग हो रहा है मतलब उनके अंदर एक कुछ कहीं पे बहुत छोटा सा कुछ न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ विच ये पॉजिटिव और वो पॉजिटिव टकरा रहे हैं तो स्कैटर हो जा रहे हैं, बट वो बहुत कम है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस एम्प्टी.
Okay, that's where it gets deflected in small angles. Very good. Next kya hua? The size of the nucleus is very small compared to the size of the atom. Now उन्होंने और एक चीज़ निकाला कि size of the nucleus atom से बहुत ही ज़्यादा छोटा है. जो एंड न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से डिफ्लेक्शन हुई है थोड़ी सी, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. इसी वजह से बिकॉज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस. ठीक है, बहुत ही कम जो है वो रीबाउंड पाए. ठीक है, और बाकी सब एदर स्टेट चला गया है या फिर स्कैटर हो गया. क्यों? बिकॉज ये बहुत छोटा साइज है. तो दीज आर द थ्री पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड ड्रू फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट नेम्ड एज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. गॉट इट? व्हाट ही डिड, ही टुक अ थिन शीट ऑफ दैट ऑफ योर गोल्ड फॉयल, देन ही स्कैटर्ड द पर्टिकल्स ऑफ दैट ऑफ अल्फा पर्टिकल्स एट अ पॉजिटिव एंड व्हाट ही सॉ दैट मोस्ट ऑफ द पर्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल. Some of them got deflected and some of them, just a very few of them, rebounded. What is the reason? What he drew? He drew three conclusions. The first one is that most of the space inside the atom is empty. Second conclusion he drew that there is a small nucleus which contains a positive charge because of which some of the particles get deflected. And what is the third conclusion that he drew, the final one, that the nucleus or the size of the nucleus is extremely small. Yani ki atom khali hai almost. ठीक है, कहीं ना कहीं एक small nucleus में एक छोटा सा positive charge है और जो होता है आपका nucleus का size भी बहुत छोटा है. So these are the three things that you draw. Okay? Next. तो इसमें उन्होंने क्या क्या proper fin conclusion दिया, वही proper conclusion यहाँ निकला इसमें. An atom has a positively charged nucleus at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. तो उन्होंने ये पहला conclusion निकाला कि atom जो है वो positively charged होता है और वो center में रहता है. ठीक है. Second, electrons revolve around the nucleus in different orbits. उन्होंने और एक बोला कि electrons जो हैं, यानी हमें क्या पता चल गया कि ज़्यादातर space atom में जो होता है empty होता है. एक particular nucleus center में रहता है और उस nucleus के चारों तरफ electrons घूमते हैं. ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर एटम. सो दीज आर द थ्री कंक्लूजन्स दैट ही फाइनली ड्रू फ्रॉम हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. द फर्स्ट थिंग इज दैट न्यूक्लियस इज इन द सेंटर एंड द स्मॉलेस्ट वन. ओके, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दैट ऑफ योर पर्टिकुलर न्यूक्लियस. एंड द थर्ड वन इज दैट द न्यूक्लियस इज मच मोर स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटम. ओके, नेक्स्ट. सो इज द नेक्स्ट वन, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम. नाउ रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट ज़रूर निकाला लेकिन उसमें उन्होंने अभी बहुत सारा डिफेक्ट भी था. अब क्या डिफेक्ट उन्होंने एक डिफेक्ट देखा. व्हाट वाज द डिफेक्ट? एनी पर्टिकल इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पर्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी. सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम वुड बी अनस्टेबल. यू नो द एटम्स आर स्टेबल, राइट? एटम्स हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि स्टेबल होता है. लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज वी नो दैट एटम तो ज़्यादातर वैकेंट होता है. उसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ योर एटम. वो सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमता है. दैट इज वॉट ही टोल्ड. लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक निकला, इसमें बाकी साइंटिस्ट ने ये देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ऑफकोर्स उसका कोई स्पीड होगा, वो एक स्पीड में घूमते होंगे. इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपने हिसाब से थोड़ी घूमते होंगे, उनका एक पर्टिकुलर स्पीड होगा कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं. अगर उनका स्पीड है तो क्या आएगा, ऑफकोर्स देर विल बी एक्सेलरेशन ना. एक्सेलरेशन होगा तभी वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है. एक पर्टिकुलर एनर्जी से न्यूक्लियस से बाउंड है. दैट्स वाई ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड दैट ऑफ योर पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज सराउंडिंग दैट ऑफ इट एंड इट इज सराउंडिंग. ठीक है, वो घूम रहे हैं चारों तरफ, रिवॉल्व कर रहे हैं. तो अगर वो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, उनका कोई पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगा, कोई पर्टिकुलर स्पीड होगा जिसमें वो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर कोई पर्टिकुलर स्पीड है उनका तो पक्का उसमें कोई एनर्जी आएगी. अब वो घूम रहे हैं मतलब में घूम रहे हैं, एक्सेलरेशन है उनकी, स्पीड है, फिर उसमें कोई एनर्जी आती है. एनर्जी वो ज़रूर देंगे. अब अगर एनर्जी है तो यहाँ पे कैसे बोलते, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वो लूज एनर्जी एंड फॉल टू द न्यूक्लियस. ठीक है, तो एनर्जी आती आती ऐसी होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उन्होंने ये बताया है. ओके, तो वो क्या करेगी,
कि वो जाके जो मतलब घूमते घूमते उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी और वो जाके न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे, ठीक है, और वो अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एटम स्टेबल होता है, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन घूमता है, उनके हिसाब से नहीं घूमता है। दैट इज़ द दिस इज़ द थिंग दैट वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली चारों तरफ घूम रहे हैं और एक्सेलरेट कर रहा है, और उसके बाद फाइनली एक्सेलरेट करके एनर्जी लूज करके जाके न्यूक्लियस में गिर जा रहा है। लेकिन हमें पता है कि एटम स्टेबल होता है, यानी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दैट ऑफ द पर्टिकुलर एटम व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ट्रैवल इन अ फिक्स ऑर्बिट, नॉट रैंडमली लाइक दिस जस्ट गेन एक्सेलरेशन एंड फॉल, ऐसा नहीं होता। वो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और ऑर्बिट के बारे में और उन एनर्जी स्टेट और उनका एक्सेलरेशन के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। सो दिस इज़ द फेलियर। उन्होंने क्या बताया कि अपने हिसाब से कहीं भी कुछ भी ऐसा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एनर्जी खत्म होने पर जा रहा है न्यूक्लियस में गिर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स ऑर्बिट में जहाँ पर उन्हें घूमने के लिए बोला गया उसी लाइन में घूमते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट वॉज लैक्ड इन रदरफोर्ड्स मॉडल। Otherwise, there was much more space, it was right. Nucleus is very small, it's right. And he even told that the electrons revolve around the nucleus. That was also right. But he forgot to mention that they revolve around the nucleus in a fixed orbit. Okay, so this was the drawback in Rutherford alpha scattering model. So what we read, let's have a quick glimpse of that. We read Thomson's model, Thomson's pudding model. Thomson told that the cake is positively charged, the pudding is positively charged, and the plum present in that of the pudding is negatively charged. He compared it to that of the atom and the electrons. He told that atom is the cake, which is negative, positively charged, and the plum present in the atom, present in that of the cake, is negatively charged. He told us that those are electrons. Now what he told, वही बोला वो, और कुछ नहीं। और उन्होंने ये बताया कि ये न्यूट्रल होता है, ओके। ऑलराइट, नाउ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ गोल्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, व्हाट ही गेव दैट ही एक्चुअली टुक अ गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल, एंड ही स्कैटर्ड द पर्टिकल्स ऑफ योर पर्टिकुलर alpha particles that are positively charged, and what he noticed that most of the alpha particles passed directly from that of the gold foil. Some of them scattered slightly, and some of them, very few of them, got rebounded. And what was the reason? Okay, just like this. And now what was the reason that he found out from this? The reason that he found out that most of the space inside that of the atom is empty, okay. The second thing is that he found out that the nucleus is extremely small. Okay, and the third point that he found out that there is a nucleus which have positive charge in between it, and the electrons are revolving around it. Okay, these are the three things that he found. But he again gave a defect, जो गलती थी उसमें, या फिर जो भी मतलब drawback था, drawback was that he did not tell that the electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit. He told that the electrons revolve, gain some energy and fall into the nucleus. But it's not the case. Actually, the electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit. Okay, this was a particular drawback of Rutherford alpha scattering experiment. Okay, so this is all for today. So what we read today, we read about Thomson's model, Thomson's plum pudding model, and Rutherford alpha scattering experiment, along with that of what the experiment was about and what the conclusions he drew and what was the drawback. Okay, so if you got any doubt regarding this particular chapter, you can tell me in the comment section. I'll definitely answer, and I hope that your concepts are getting cleared, and this is like very easy one. Okay, so that I hope ki clear ho raha hai, theek hai, aur koi bhi agar doubt hai, you can definitely tell me. And if you haven't watched any of this particular one, this is actually the second part of structure of atom. Previously, just a week previous, like it's been 14 days that I have taught you the first part. So if you have skipped it, you may go to the playlist and check it out and can view the first one. Then you can come to the second one, because in the middle, I have put the mole wala chapter. Okay, so the mole chapter was there. I have skipped it in the first part, so I put it in the second one. And
दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो इफ यू थिंक दैट मोल वाला आया और पहला वाला पार्ट तो मिसिंग है. पहला वाला पार्ट दो वीडियोज़ के पहले है, ये वाले वीडियो के दो वीडियो के पहले. तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो यू मे गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक इट आउट. ठीक है, और फिर इसको देख सकते हो. ठीक है, और मेक श्योर, क्योंकि ये जो 3, 4, 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, दिस क्वेश्चन आर एक्चुअली 3, 4, 5 मार्क्स रेंजिंग अपॉन आते हैं. पूरा 5 मार्क्स का आता है. रदरफोर्ड मॉडल बेसिकली आता है ज़्यादातर पूरा 5 मार्क्स का. वेर यू हैव टू राइट द पोस्टुलेट्स, द एक्सपेरिमेंट, द एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट दैट ही डिड, द पिक्चराइजेशन, कैसे डिफ्लेक्शन हुई है पार्टिकल्स के, and what was the conclusion, and of course a drawback, a single drawback that he had. So these are the things that you have to write. जिसमें कि आप, if you are writing it properly, synchronizingly, then you of course getting full marks. Okay? And दो मॉडल हम तो पढ़े, थम्सन और रदरफोर्ड. उसके आगे भी हमें पढ़ना है. ठीक है, वैलेंसी वगैरह रिलेटेड एवरीथिंग. सो डोंट स्किप द क्लासेस. इफ यू आर स्किपिंग, यू शुड बी विट लेटर ऑन. ओके, तो keep watching the videos, and if you don't like the video, you can like, share and subscribe, and you can tell your friends to watch the video. Okay, they should also learn more. So I'll be seeing you in the next class with a new particular topic. Okay, till then have a good day and keep smiling. Bye.